हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। और आज जो हमारा टॉपिक है जनाब, वो है JFET पैरामीटर्स और उसकी करेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं वो हमने देखनी है। जो कंटेंट्स हैं बेसिकली आज के लेक्चर के, वो ये है कि जनाब, एक तो हम देखेंगे कि ड्रेन करेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होती हैं, यानी कि हमें पता है कि जब हमने JFET पढ़ा था इसे पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि ड्रेन ड्रेन करंट होता है। तो ड्रेन करेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या हैं, फिर इन्हीं कर्व्स को यूज़ करते हुए हम समझेंगे कि ओमिक रीजन क्या है, एक्टिव रीजन और ब्रेकडाउन रीजन क्या है JFET का। और पिंच ऑफ वोल्टेज हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, यहाँ पर आप ग्राफ की मदद से समझेंगे और आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो समझ आ जाएगा पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब, और IDSS क्या है, और फिर कट ऑफ वोल्टेज, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में समझा था और आज हम इसको डिटेल में जो है वो समझेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर जो देखा है तो आपको याद होगा कि JFET के हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी। एक पर हमने पढ़ा था कि अगर गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाए, यानी कि हम गेट को और सोर्स को ग्राउंड कर दें और ड्रेन और सोर्स के दरमियान में कुछ वोल्टेज जो है वो हम अप्लाई करें, या एक हमने ये पढ़ा था कि लेसर देन जीरो, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज लेसर देन जीरो, यानी कि गेट पर हम जो है वो नेगेटिव वोल्टेज जो है वो अप्लाई करें और ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो VDS तो अप्लाई होना ही है। सही है, ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। उसमें हमने ये भी समझा था कि जो JFET है उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो यही होती है कि हम गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो नेगेटिव देते हैं। सही है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए हम गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो भी लेते हैं, तो यानी कि गेट को हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है, या ग्राउंड करते हैं, और कुछ पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं JFET वर्किंग में उसको हम समझते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं बेसिकली। और अगर गेट टू सोर्स पर लेसर देन जीरो हो जाए तो उसका जो नॉर्मल ऑपरेटिंग जो वर्किंग कंडीशंस हैं किसी भी JFET की, वो कुछ इस तरह से ही होती हैं कि हम VGS जो है वो लेसर देन जीरो ही रखते हैं। सही है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ तो अच्छी बात है, वरना आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मेरा लेक्चर जो है वो देख लीजिएगा और फिर आप इस लेक्चर पर आइएगा तो आपको ये अच्छी तरह से मज़ीद उसकी करेक्टरिस्टिक जो समझ आ जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, पहले हम जो कुछ हमने जो पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं या कुछ चीज़ों को समझना है, उसके लिए हम जो है वह पहले ये कंडीशन ये लेते हैं कि हम गेट पर जीरो वोल्टेज, यानी कि गेट को हम ग्राउंड करते हैं और हम वेरिएबल वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं बिटवीन सोर्स एंड द ड्रेन। सही है, और यहाँ पर हमने 5 वोल्ट एक वेरिएबल वोल्टेज या पावर सोर्स जो है वो अप्लाई किया हुआ है ड्रेन टू सोर्स के दरमियान में। ये डॉटेड लाइंस हैं, ये हमें पता है कि ये डिप्लीशन रीजन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि ये वाली डॉटेड लाइन जो है ये एक डिप्लीशन रीजन है और ये वाली डॉटेड लाइन जो है ये एक और डिप्लीशन रीजन है। और ये जो आपको ब्लू कलर के जो सर्कल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन डिप्लीशन रीजन्स के दरमियान में से गुजरेंगे। सही है, और ये जो है मैंने हमने एन टाइप जो है वो JFET लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है वो एन लिखा हुआ है और उसके अंदर पी टाइप मटेरियल की जो है वो डॉपिंग की हुई है, तो ये एक चैनल क्रिएट हो गया जिसलिए हमने इसको एन चैनल JFET कहते हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं। सही है, और ये जो 5 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट ये बेसिकली बता रहा है कि ड्रेन जो है +5 वोल्ट से कनेक्टेड है और जो है सोर्स ये ग्राउंडेड है, तो डेफिनेटली क्या होगा, 5 वोल्ट फिर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ड्रॉप होगा, 4 वोल्ट फिर कुछ ड्रॉप होगा, 3 वोल्ट एंड सो ऑन करते करते यहाँ पर हमने 0 वोल्ट जो है वो अज्यूम किया हुआ है। सही है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर सम डिस्टेंस। अब हमें पता है कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था JFET को डिटेल में, हमें पता है कि अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है, यानी कि ये वाली वोल्टेज है, अगर हम इसको वेरी करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन्स जो हैं ये वेरी करते हैं। सही है, क्योंकि हमें पता है कि गेट जो है वो ग्राउंडेड है और ड्रेन और गेट के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ गेट जो है ये ग्राउंडेड है तो ड्रेन जो है ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो गेट और ड्रेन के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 माइनस 0 यानी कि 5 वोल्ट होगा। सिमिलरली कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो 4 माइनस 0 4 वोल्ट आ जाएगा और 3 वोल्ट, यानी कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, ठीक है, बिटवीन द गेट एंड एंड ड्रेन, तो क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन वेरी करेंगे और डिप्लीशन रीजन ना सिर्फ लेफ्ट साइड वाली जो पी साइड है उसका वेरी करेगा, बल्कि जो राइट
वाली जो पी साइड है इसका भी वेरी करेगा, क्योंकि पता है कि ये जो गेट टर्मिनल है ये दोनों पी साइड्स का जो है इंटरनली कनेक्टेड होता है, यानी कि दोनों पी साइड्स का ये कॉमन टर्मिनल होता है, सही है? ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट है ये डिपेंड करेगा इस वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि जब हम वोल्टेज वेरी करेंगे तो ये डिप्लीशन रीजन जो हैं ये वेरी करेंगे, ये डिप्लीशन रीजन वेरी करेंगे तो इसमें से गुजरने वाला जो करंट है ये वेरी करेगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करेंगे। तो फिर इस वजह से ये जो ड्रेन करंट है ये बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, ड्रेन टू सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ली हुई है, और वर्टिकल एक्सिस पर हमने जो है वो ड्रेन करंट जो है वो लिया हुआ है, सही है? अब हम जो है इसको लेट्स से कि हमने इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, यानी कि जीरो वोल्टेज से हमने वोल्टेज जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि करंट जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जारी बात है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो ये वाला करंट भी इंक्रीज करेगा, सही है? डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा, लेकिन शुरू में डिप्लीशन रीजन इतना ज्यादा नहीं है कि वो कुछ इंपैक्ट डाले, सही है? ये आगे जाके हम देखते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ड्रेन टू सोर्स यानी कि ये जो ड्रेन करंट है ये जो यहाँ से गुजरेगा यानी कि ड्रेन से सोर्स के दरमियान में, तो ये करंट भी इंक्रीज करेगा, वेरी करेगा, और ये डिप्लीशन रीजन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सही है? लेकिन शुरू में कुछ कह लें कि टाइम तो नहीं कहूँगा, कुछ वैल्यू ऐसी कहूँगा कि वोल्टेज की कुछ वैल्यू तक अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये करंट बढ़ेगा, क्योंकि ये जो डिप्लीशन रीजन जो बढ़ेंगे ये इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे कि यहाँ से गुजरने वाले करंट को ज़्यादा इंपैक्ट कर सकें। तो जैसे ही आप ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो करंट गुजरेगा वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये लीनियरली आपको एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन कह लें या एक लीनियर लाइन कह लें, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होगा। तो अगर आपको याद हो तो ये लीनियर लाइन किसके अंदर बनती है, ओम्स लॉ के अंदर, क्योंकि ओम्स लॉ में पता है कि रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो और कुछ और पैरामीटर्स कांस्टेंट हो तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता है, याद है आपको, ओम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो चैनल की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, ज़्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि वोल्टेज जो है वो अभी बिल्कुल स्टार्ट है, हम जस्ट इंक्रीज करना शुरू किया है, तो यहाँ पे जो चैनल की रेजिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो यहाँ से गुजरने वाले करंट को रोक सके। तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेजिस्टेंस है और कुछ और पैरामीटर्स हीट हो गया या और कुछ और पैरामीटर्स हैं उनको हम अज्यूम करेंगे वो कांस्टेंट है। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा लीनियरली, सही है? तो यहाँ तक एक खास वैल्यू तक, यानी कि वोल्टेज की एक खास वैल्यू तक जो है वो करंट बढ़ेगा। तो जब तक करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ता रहेगा तो हम कहेंगे कि जो JFET है ये ओमिक रीजन के अंदर है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट बढ़ता है अगर रेजिस्टेंस और कुछ फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस और कुछ फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे यानी कि VDS बढ़ाएंगे तो जो ड्रेन करंट ID है ये बढ़ेगा लीनियरली। तो हम कहेंगे कि जो JFET है ये ओमिक रीजन के अंदर जो है परफॉर्म कर रहा है, सही है? लेकिन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की खास वैल्यू आएगी, हर JFET की डिफरेंट होती है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की खास वैल्यू आएगी जिस वैल्यू पर जाकर ये दोनों डिप्लीशन रीजन्स जो हैं ये इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि यहाँ से गुजरने वाला करंट जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन्स जो हैं वो करंट को बढ़ने नहीं देंगे, वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन यहाँ से गुजरने वाला करंट जो है ये नहीं बढ़ रहा, सही है? तो अब हम कहेंगे कि अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट कांस्टेंट होगा, यहाँ पर देखें कि खास वैल्यू आई है, अब आप वोल्टेज तो इस तरह बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट आगे को नहीं बढ़ रहा, सही है? जैसे अगर आप ब्लू लाइन को देखें तो वोल्टेज अगर बढ़ती जाए तो करंट को इसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, लेकिन वोल्टेज की खास वैल्यू आई है, यानी कि यहाँ से आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, एक खास वैल्यू यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं या इस रीजन के अंदर आए हैं, तो एकदम करंट रुक गया है एक खास वैल्यू पर जाकर और वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं इस डायरेक्शन में लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, तो हम कहेंगे कि अब जो है ये एक्टिव रीजन के अंदर जो है वो आ गया है, यानी कि ये इसका JFET का एक्टिव रीजन होगा, यानी कि एक्टिव रीजन इसको इसलिए कहेंगे कि ये एक वर्किंग बेसिकली जो JFET है उसको हम जो है वो कांस्टेंट करंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम उसको एक सैचुरेशन मोड में ही जो है उसको चलाते हैं, सही है? तो एक्टिव रीजन में आ जाएगा, JFET के एक्टिव रीजन भी है और यहाँ पर करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी कांस्टेंट हो गया, तो आप इसको एक्टिव रीजन भी कह सकते हैं और कुछ लोग इसको सैचुरेशन रीजन भी कहते हैं, सही है? तो
एक्टिव रीजन इस मैंने अभी इस बात को फिर रिपीट कर दूँ, एक्टिव रीजन इन द सेंस कि अब जो है बेसिकली जो असल वर्किंग है जेएफईटी की वो एक्टिवेट हो गई है। सही है, जेएफईटी की असल वर्किंग क्या है कि हम पर्टिकुलर वोल्टेज दें तो करंट जो है वो कॉन्स्टेंट वहां से गुजरे, ये उसकी एक्टिविटी है। और चूंकि हमें पता है कि अगर करंट कॉन्स्टेंट गुजरेगा, सही है, और वोल्टेज बढ़ाते भी जाएं तो उसको हम सैचुरेशन रीजन में कहते हैं, तो इन द सेंस उसको सैचुरेशन रीजन हम उस सेंस में कह सकते हैं। तो अब आ गया ये एक्टिव रीजन में। अब वोल्टेज की वो वैल्यू जहां पर जो है जो VDS की वो वैल्यू, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू जहां पर करंट जो कांस्टेंट हो जाए, या इन अदर सेंस के जो JFET है वो ओमिक रीजन से निकलकर एक्टिव रीजन में चला जाए, तो हम उस वैल्यू को कहेंगे कि ये पिंच ऑफ वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है? ये पिंच ऑफ वोल्टेज है। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डिप्लीशन रीजन, यानी कि लेफ्ट साइड वाला डिप्लीशन रीजन और राइट साइड वाला डिप्लीशन रीजन, ये एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं जैसे एक चुटकी से एक पिंच सी बन जाती है। जैसे आप देखें कि इस तरफ का डिप्लीशन रीजन ज्यादा बढ़ेगा, वो क्यों बढ़ेगा? मैंने पहले बताया हुआ कि ड्रेन और गेट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिप्लीशन रीजन भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम पी साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है और एन साइड जो है ये हायर पोटेंशियल पर है, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप सोर्स की तरफ आते जाएंगे तो सोर्स का पोटेंशियल जो है वो गेट के बराबर होता जा रहा है, करीब करीब आता जा रहा है, तो डिप्लीशन रीजन भी कम होता जाएगा। तो यही वजह है कि आपको ज्यादा एक्सपेंडेड नजर आ रहा है टुवर्ड्स द ड्रेन, यानी कि डिप्लीशन रीजन जो है ज्यादा फैला हुआ है ड्रेन की तरफ और कम फैला हुआ है सोर्स की तरफ, दोनों साइड्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक ऐसा लगेगा जैसे एक चुटकी सी बन गई है, एक पिंच सी बन गई है, तो उसके बाद करंट जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो हम उस वोल्टेज को कहेंगे कि ये पिंच ऑफ वोल्टेज है। सही है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी एक खास लिमिट तो होती है, ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड वोल्टेज बढ़ाते जाए तो उसको कुछ ना हो। जारी बात है, यहाँ से आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट कांस्टेंट हो रहा है यहाँ से चैनल के जरिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो एंटर होते जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ने तो एंटर होना है। जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट तो पीछे से, यानी कि प्रेशर तो जनरेट होता जाएगा, तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इतने बड़े डिप्लीशन रीजन को भी ब्रेक कर देगा। सही है, तो हम कहेंगे कि JFET जो है वो ब्रेक डाउन रीजन में चला गया, यानी कि अब JFET जो है वो काम के काबिल नहीं रहा, जल गया या खत्म हो गया, यानी कि ब्रेक डाउन में चला गया। तो इस तरह से हम जो है फर्स्ट कंडीशन को यूज करते हुए, यानी कि गेट को शॉर्ट करते हुए, हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं इन तीनों रीजन्स को। तो चलिए हम बाकी पैरामीटर्स जो है वो अब वो डिफाइन करते हैं। तो हमने जो है कॉन्टेक्ट्स पे एक और पैरामीटर लिखा हुआ था IDSS। IDSS बेसिकली क्या है? IDSS आप बॉटम में इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि IDSS है ड्रेन टू सोर्स करंट विद गेट शॉर्टेड, यानी कि गेट को हम ग्राउंड करके और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को वैरी करके हम जो है वो IDSS जो है वो मेजर करते हैं या डिफाइन करते हैं। और इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम करंट, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ओमिक रीजन ऐसे जैसे ही वो एक्टिव रीजन में जाएगा तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। तो जब करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए उससे ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो तो वैसे ही ब्रेक डाउन रीजन में चलेगा, काम के काबिल नहीं रहेगा। तो ये ग्रीन लाइन जो आपको नजर आ रही है ये IDSS है, यानी कि कॉन्स्टेंट करंट है और एक्टिव रीजन के अंदर है और मैक्सिमम करंट है। तो IDSS क्या है? ड्रेन टू सोर्स करंट विद गेट शॉर्टेड, यानी कि जो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा किसी भी JFET में उसको हम IDSS करेंगे, और ये हमेशा मेजर करेंगे गेट टू सोर्स वोल्टेज को जीरो करके। अब अपने एक और पैरामीटर जो है वो पढ़ा था, जिसको हमने कट ऑफ वोल्टेज का नाम दिया था। सही है, उसके लिए हम जो है सेकंड कंडीशन जो VGS लेसर देन जीरो है वो वाली ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अब गेट पर जो है वो माइनस वोल्टेज अप्लाई कर दिया, पहले गेट जो है वो ग्राउंडेड था, जीरो पोटेंशियल पे था, तो अब हमने उसी तरह ड्रेन जो है वो 5 वोल्ट पे रख दिया, लेकिन वेरिएबल वोल्टेज जो है वो गेट पर अप्लाई कर दिया है -5 वोल्ट। सही है, और बताया कि अगर VGS जो है वो जीरो होगा, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो होगी, तो हमारे पास IDSS आ जाएगा, मैक्सिमम करंट हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना शुरू कर दें, अब अभी पहले हमने ज़ूम किया है कि गेट पर जो है वो 0 वोल्ट है, जब गेट पर 0 वोल्ट है तो करंट जो है मैक्सिमम IDSS है। सही है, अब अगर हम इसको -1 कर दें, यानी कि 0 से बढ़ाकर -1 करेंगे, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर इसको -1 करेंगे तो ड्रेन और गेट के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा। सही है, क्योंकि पहले कितना था? पहले अगर यहाँ पर 0 था तो 5 -0 5 वोल्ट, अब कितना है? 5 -(-1) यानी कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा गेट और ड्रेन के दरम्यान, तो डेफिनेटली क्या होगा
कि ये डिप्लीशन रीजन भी बढ़ेंगे, क्योंकि अब गेट और सोर्स के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना शुरू हो गया, तो ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेंगे दोनों साइड से। जब डिप्लीशन रीजन बढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि ड्रेन जो करंट है वो कम होना शुरू होगा। अब अगर हम फर्दर इंक्रीज करते जाएँ तो ड्रेन करंट और कम हो जाएगा। सही है, ये आपने लाइन कन्फ्यूज़ नहीं करनी कि ये भी पिंच ऑफ वोल्टेज है, ये भी पिंच ऑफ, ये पिंच ऑफ वोल्ट नहीं है, ये पिंच ऑफ पॉइंट्स हैं। यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज कब होगी, जब हमारे पास IDSS होगा, वही पिंच ऑफ वोल्टेज होगी। लेकिन ये पिंच ऑफ पॉइंट्स है, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब आप वोल्टेज -2 करेंगे तो करंट एकदम इंक्रीज होगा और फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सही है, इसका ये मतलब है। क्लियर, तो ये पिंच ऑफ पॉइंट्स है, आपने इसको इस वाली पिंच ऑफ वोल्टेज से जो है वो जो हमने पीछे डिफाइन किया था उससे आपने इसको मिक्स नहीं करना। एनीवेज, अब अगर हम VGS को और बढ़ाते जाएँ तो -3 पे करें तो ड्रेन करंट और कम हो जाएगा। उसके बाद हम इसको अगर और कर दें, बढ़ा दें, यानी कि -4 कर दें, तो और भी जो है वो ड्रेन करंट जो है वो बढ़ जाएगा। सही है, सॉरी कम हो जाएगा। और अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज करें तो खास पॉइंट आएगा कि जब बिल्कुल ही करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ड्रेन करंट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि इस केस के अंदर इसे हम कहेंगे कि ये कट ऑफ वोल्टेज, और जब कट ऑफ वोल्टेज आ जाएगी तो यहाँ से करंट कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी करंट अब जो है वो नहीं जा रहा किसमें से, GFET में से। इसका मतलब ये है कि GFET को अगर हमें एज ए स्विच यूज़ करना है तो कट ऑफ वोल्टेज बेस को बंद कर देंगे और किसी दूसरी वोल्टेज बेस को हम ऑन कर सकते हैं। तो कट ऑफ वोल्टेज कब होगी, जब आपका VGS जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा VDS के। यानी कि VDS अगर 5 वोल्ट है तो VGS -5 वोल्ट होगा, तो कट ऑफ वोल्टेज आ जाएगी। अगर आपका VDS जो है वो 3 वोल्ट है तो आपका जो VGS है वो -3 हो जाएगा, तो वो कट ऑफ वोल्टेज आ जाती है। सही है, यानी कि कट ऑफ वोल्टेज जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है VDS के। सही है, तो आई होप कि आपको जो है वो आज का लेक्चर जो समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।